हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी स्लोवेनिया की जॉब्स आई हुई हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो में देखा था, जो सबमिशन हुए हैं तो उनकी TRC का भी अपडेट आ चुका है। कुछ एक TRC नेक्स्ट वीक आ जाएगी और एक को ट्रैकिंग नंबर आ चुका है। अभी स्लोवेनिया का प्रोसेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, सक्सेस रेट है, कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मेरे पास जो न्यू जॉब्स आई है वो मैं आप लोग को आज अनाउंस कर रहा हूँ। ये जॉब में जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो भी स्लोवेनिया में सिनेगन जोन में कंट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जॉब है ब्रदर की ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर में ये है कि उनके पास गल्फ एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि ऑफिसर्स कुछ बोलेंगे और उनका जवाब देना है आपको। एम्बेसी में इंटरव्यू है ट्रक ड्राइवर का, तो अच्छा खासा बहुत मतलब एक टफ टाइप का इंटरव्यू कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें जो बंदों से मेरे अभी हुआ है उनका इंटरव्यू, तो 10 से लेके कम से कम 20 क्वेश्चन उनसे पूछेगा। तो उसमें इंग्लिश इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है और ट्रक ड्राइवर के लिए। उसके बाद जो भी कोई भी कैटेगरी में बंदा अप्लाई करेगा उसमें उनका कोई बहुत हार्ड इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इंग्लिश आनी ज़रूरी है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं नॉर्मल, आपकी कंपनी, आपकी सैलरी वगैरह ऐसे, तो आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो ट्रक ड्राइवर के अलावा सबसे बेनिफिट ये है स्लोवेनिया में कि आप जाओगे वहाँ पे कुछ टाइम काम करो, अपनी फैमिली बुला सकते हैं, आपके बेबी होंगे वो वहाँ आ सकते हैं, अगर उनकी स्टडी होगी वो फ्री है स्टडी। स्लोवेनिया में बेबी स्टडी फ्री है, सारे राइट्स मिलते हैं उनको वहाँ पे। बहुत ही अच्छा सिस्टम है आपका फ्यूचर सेट करने के लिए। तो अभी जो भाई लोगों का सबमिशन हुआ, सबकी TRC आ गई, इनका फ्यूचर समझ लिया अच्छा है। बस ये है कि आप वहाँ जाएं और अपना काम करें, इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है उसमें आपको कंपनी में काम करना है। ये सोच के अप्लाई नहीं करना है कि मैं जाऊँगा और वहाँ से कहीं और चले जाएंगे भाई। तो ये चीज़ प्रोसेस में हमारे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप जाएंगे और कहीं और जाएंगे। ये चीज़ सोच अगर जिसका भी कोई का ये सिस्टम है कि हमें जाके कहीं और जाना है, वो अप्लाई नहीं करेगा। जिनको काम करना है कंपनी में वही लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ जाएंगे और काम करेंगे, क्योंकि भाई कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाओगे गायब हो जाओगे, फिर दूसरा बंदा हायर करेंगे, फिर वो जाएंगे वो गायब हो जाएंगे, वो तीसरा बंदा हायर करेंगे। तो उनको काम करने के लिए बुला रहे हैं, आप लोग को हायर करने के लिए नहीं। तो भाई ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट है, जिसको भी अप्लाई करना है वो मेरे पास अप्लाई करेगा, बट ये सोच के करेगा कि मेरी कंपनी में जाना है और वहाँ पर काम करना है, ये सोच के अप्लाई करना है। ये तो हो गई ट्रक ड्राइवर की जॉब। दूसरी है डिश वॉश, दो बंदे चाहिए साउथ के। वैसे रिक्वायरमेंट ये है कि तमिलनाडु के बंदे चाहिए, बट ओनली तमिलनाडु के बंदे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो साउथ के कोई भी हैं मुझसे कांटेक्ट करें जल्दी, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बस ट्रक ड्राइवर के लिए, बस ड्राइवर के लिए एंड डिश वॉश दो चाहिए होटल में। उनकी वीडियो चाहिए होगी, इंग्लिश इंट्रोडक्शन और डिश वॉश करते हुए होटल में। एक्सपीरियंस लेटर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। ये हो गई डिश वॉश की। अब एक बंदा चाहिए हमें गार्डन के लिए, गार्डन मेंटेनेंस, यानी कि 5-स्टार होटल है वहाँ गार्डन होते हैं, उसकी मेंटेनेंस, घास काटना और पेड़ों की जो डिज़ाइनिंग बनती है ना वो आना चाहिए। उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आपका प्रोसेस करेंगे स्टार्ट, तो हो सकता है क्लाइंट इंटरव्यू हो वहाँ से, स्लोवेनिया से क्लाइंट आपको कॉल करेंगे, जूम इंटरव्यू भी हो सकता है और व्हाट्सअप कॉलिंग पर भी इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो कॉलिंग पर भी हो सकता है। कैसे भी करके आपका इंटरव्यू होगा, आपकी इंग्लिश आपको समझना पड़ेगी, उनसे बात करनी होगी, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया गार्डन वाले के लिए। दो लेडीज़ चाहिए जो कि होटल में क्लीनिंग के लिए है, लेकिन उनकी भी 5-स्टार होटल है वहाँ पे, वहाँ पे उनको दोनों को क्लीनिंग करना है। एक स्मार्ट मतलब बोलते हैं ना, एक गुड लुकिंग ऐसा होना चाहिए और इंग्लिश स्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर हो सके तो उनको होटल मैनेजमेंट या होटल का कोई कोर्स किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये दो हो गए, ये सब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है भाई, ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो वेल्डर हैं, शटरिंग कारपेंटर हैं और टाइल्स मिशन है, कंस्ट्रक्शन लाइन के जितना भी काम आता है और इलेक्ट्रीशियन वगैरह हो गए, सब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में उनको थोड़ा सा पैशन रखना होगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में सारे बंदे चाहिए, धीरे धीरे करके सब जाएंगे। अभी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ट्रक ड्राइवर, डिश वॉश, गार्डन मेंटेनेंस और 5-स्टार होटल में क्लीनिंग, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इस पर कोई भी जो भी भाई लोग कॉन्टैक्ट करेंगे उनका अर्जेंट में फास्ट प्रोसेस होगा और जल्दी से जल्दी इनका प्रोसेस होकर वो अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए जो भी लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कॉल करें, जो भी यूरोप में अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो लोग भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि स्लोवेनिया में स्टडी स्टार्ट कर दिया है। स्लोवेनिया में जो लोग भी स्टडी करना चाहते हैं
और फुल टाइम जॉब होगी उनके लिए, स्टडी करेंगे। स्टडी पे सबसे बेस्ट बात यह है कि उनको टैक्स नहीं है, सबसे बेस्ट अच्छी चीज़ ये है कि टैक्स नहीं है, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, अच्छा उनका कम बजट में बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि आप लोग को पता होगा वर्क परमिट के अकॉर्डिंग स्टडी वालों को सैलरी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनके एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनकी सैलरी अच्छी होती है। तो जो भाई भी स्टडी करना चाहते हैं स्लोवेनिया में, वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जॉब की मैंने पूरी आप लोग को डिटेल दे दी है, जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं कॉल करें, लेकिन कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, डायरेक्ट कॉल पर अवेलेबल नहीं हूँ। व्हाट्सअप पर मैसेज डालें, वॉइस मैसेज डालें, कॉल करें, फ्री होंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट फिर एक बार बोल दूं कि जो भाई जाके वहाँ काम करना चाहते हैं वही कॉन्टैक्ट करें, जिनके माइंड में ये है कि हम वहाँ जाके मूव हो जाएंगे, प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट मी। कोई भी ऐसा बंदा कॉन्टैक्ट नहीं करे जिसको जाके वहाँ से मूव होना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में। मैं आपको दोस्त नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।